गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एक न्यू टॉपिक बॉटनी का है ये पोर्शन, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे बॉटनी में आप जब पढ़ने जाएंगे तो फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें, फैमिलीज भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट से, क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं एग्जामिनर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसी उसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए जो मॉर्फोलॉजी है उसमें से एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, वो क्या है, वो है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होता है? जो फिलोटैक्सी होता है वो आपका कि जो लीव्स होती हैं वो लीफ का स्टेम पे या उसके ब्रांच पे किस टाइप का अरेंजमेंट होता है या किस टाइप का अटैचमेंट होता है, कि वो किस तरीके से अटैचमेंट होती हैं, उसको हम लोग फिलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। तो फिलोटैक्सी इज़ द अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच ऑफ स्टेम, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है कि मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन अ ब्रांच और यहाँ लिख दीजिए और ब्रांच और स्टेम और ऑन स्टेम कर दीजिए, ठीक है, नहीं ठीक है, ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन अ ब्रांच और स्टेम, ब्रांच और स्टेम पर किस टाइप का अटैचमेंट है उस लीफ का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। फिलोटैक्सी जो होता है वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, एक अल्टरनेट फिलोटैक्सिस, अपोजिट फिलोटैक्सिस और वर्ल्ड फिलोटैक्सिस। अल्टरनेट का मतलब ही है कि वन अल्टरनेटिव मैनर में, एक है एक ऐसे है तो एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है कि अल्टरनेट मैनर में ये लीफ है, ठीक है, सॉरी लीफ की जो ये ब्रांच है, ठीक है, या स्टेम भी बोल सकते हो, ये ब्रांच या लिप जो भी है, यहाँ पे एक नोड होता है, यहाँ पे नोड होता है, ये नोड होता है, ठीक है, नोड, और नोड से ही लीफ क्या होती है, या कह सकती है कि नोड के पास ही लीफ का बेस होता है, लीफ बेस, वहाँ से लीफ एराइज होती है, ठीक है। और देखिए अल्टरनेट मैनर पे, एक इधर है तो एक साइड इधर है, फिर एक इस साइड से एक इस साइड से, तो लीव्स अरेंज अल्टरनेट मैनर, ठीक है, उसको अल्टरनेटिव फिलोटॉक्सिस कहा जाता है। और ये मेनली पाया जाता है मैंगो, चाइना रोज, टोबैको और मस्टर्ड प्लांट के अंदर अल्टरनेट आपको फिलोटैक्सिक देखने को मिलती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अपोजिट फिलोटैक्सिस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चूँकि इस टॉपिक को इसलिए ली हूँ कि है तो बहुत छोटा लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से एराइज होते हैं, ठीक। अपोजिट फिलोटैक्सिस में कि जिसमें लीफ जो है एक दूसरे के क्या अपोजिट होंगे, जस्ट अपोजिट होती, यहाँ पे अल्टरनेट पे थी, यहाँ पे देखिए अपोजिट है, तो इसमें भी दो टाइप के हैं, अपोजिट सुपरपोज और अपोजिट डेकासेट। अपोजिट सुपरपोज में क्या है, लीफ अरेंज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका नोड है, क्या है, ये नोड है, और नोड से ही देख रहे हैं कि दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शंस में क्या जो होती हैं वो लीफ आपकी एराइज होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्वावा और क्विस्कैलिस। क्विस्कैलिस और ग्वावा में आपको किस टाइप का फिलोटैक्सी देखने को मिलती है, आपको अपोजिट सुपरपोज टाइप का और फिलोटैक्सी होता है। नेक्स्ट है अपोजिट डेकासेट, पोजीशन ऑफ टू लीव्स एट अ नोड इज राइट एंगल। कहने का इसका सेंस है कि जैसे मान लीजिए कि ये स्टेम है, सपोज्ड है, ठीक, और इसके एक साइड से देखिए यहाँ पे नोड है, इसके एक साइड से लीफ लगेगी, इधर से भी लीफ निकलेगी, ठीक। देखिए इसी नोड के जस्ट ऊपर वाले नोड पर जो लीफ का अरेंजमेंट होगा इसके जस्ट राइट एंगल पे होगा, कहने का सेंस है एक इधर साइड को होगी, एक आपके साइड को होगी, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। और अब इस तरह से देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो एक तो इधर को निकल गई, एक इधर को निकल गई, ठीक। जो दूसरी लीफ आएगी नेक्स्ट नोड पर, एक मेरे साइड को होगी, एक आपको साइड को होगी,
ठीक है, तो वो दूसरी एक से दूसरे नोड पर क्या होगा, वो 90 एंगल का फॉर्मेशन करते हुए लीफ क्या होगी, अरेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि राइट एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है एक लीफ यहाँ है और दूसरी लीफ दूसरे नोड पर है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट कह दिया कि राइट एंगल पर है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए गुआवा में अपोजिट सुपरपोज भी है, अपोजिट डिका से भी। देखिए यहाँ पे अपोजिट सुपरपोज भी है क्योंकि हमने बताया कि इधर से भी और इधर से भी, और दूसरे लीफ पे जब जाएंगे तो एक इधर भी है और एक इधर भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सिस। वर्ल्ड फिलोटैक्सिस की एक ही नोड से बहुत सारे लीफ एराइज हो जाए, जैसे सपोज डेट ये मैं यहाँ बना दे रही हूँ, ये मान लीजिए एक मिनट मैं जैसे ये है और मान लीजिए एक नोड ये है, एक नोड ये है, क्या है ये नोड हो गया। ठीक है, और यहाँ से कैसे, अब देखिए यहाँ से एक लीफ यहाँ अराइज होगी, एक लीफ ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि नोड एक ही होगा और वहाँ से क्या होगी, लीफ जो है बहुत सारी अराइज होती हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सिक। ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। देखिए इसका में अपोजिट डेका सेट में गुआवा है, कैलोट्रॉपिस है और ऑसिमम है, मतलब कैलोट्रॉपिस मतलब मदार है, इसको हिंदी में मदार, और ऑसिमम को तुलसी, तो सबके घरों में ही होगा, आप लोग इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। किसको, इसको भाई जो एक और बात है कि जो आप पढ़ते हैं जो आसपास चीज़ें मिला करें उससे उसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, जब आप कोई रियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। नेक्स्ट नेरियम एस्टोनिया और हाइड्रिला। ठीक है, इसमें जो होता है इसमें वर्ल्ड फिलोटॉक्सिक टॉक्सी टाइप का लीफ का अरेंजमेंट या अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था फिलोटैक्सी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, देखिए मॉर्फोलॉजी के छोटे छोटे वीडियोस लेकर के हम फिर आएंगे, जैसे इनफ्लोरिसेंस पॉलेंस टाइप ऑफ पॉलन टाइप ऑफ इनफ्लोरिसेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत कह सकते हैं एग्जामिनर के बड़े फेवरेट टॉपिक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अराइज करने के या एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, यहाँ से अपने छोटे छोटे वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।